Good morning, everyone. Continuing with our next topic, product classification. Product को हम different तरीके से classify कर सकते हैं. Different persons ने, different जो आपके marketers हुए हैं, उन्होंने different तरीके से product को classify किया है और उसके according हम दो categories में उन्हें divide कर लेते हैं. एक है traditional product classification और दूसरा है modern product classification. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं जो प्रोडक्ट है उसकी क्लासिफिकेशन को. पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्ट को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट. सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की. कंज्यूमर जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या बेसिकली जब हम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये एक तरीके से उस बेसिस पे हो रहा है कि जो प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला पर्सन है वो प्रोडक्ट के साथ कर क्या रहा है. जब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट उनके लिए है जो अल्टीमेट कंज्यूमर है. अल्टीमेट कंज्यूमर्स का मतलब है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, उसे आगे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज वो नहीं करेंगे. वो उसे अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स की कंजम्पशन के लिए परचेज करता है. तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर यूज करता है और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है कंज्यूमर के लिए और वो उसे यूज करेगा. उसका कोई भी आगे कमर्शियल पर्पस के लिए वो यूज नहीं करेगा. जैसे आपका बाथिंग सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट पाउडर्स, बिस्किट्स, ब्रेड, बटर, ये सारे आपके क्या हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर यूज़ करता है उनकी ओरिजिनल फॉर्म में बिना किसी कमर्शियल प्रोसेसिंग के. तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हैं जो एंड कंज्यूमर्स की अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन के लिए बनाए जाते हैं. और प्रोफेसर मेलविन टी कोपलैंड जो हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लंदन, तो उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया फर्दर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को तीन पार्ट्स में, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स जो कंज्यूमर लगाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट. कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स का मतलब वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहा है, इमीडिएटली परचेज कर रहा है और जिसमें उसे ज़्यादा एफर्ट लगानी नहीं पड़ती है, मिनिमम एफर्ट उसकी लग रही है तो उसे हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपने बाथिंग सोप लेना है, टूथपेस्ट, ब्रेड, न्यूज़पेपर, सिगरेट, मैच बॉक्स, मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक, ग्रॉसरी आइटम्स एक्सेट्रा जो हैं ये सारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं. तो जब आप इन्हें परचेज करते हो आप ज़्यादा टाइम इनके ऊपर नहीं लगाते हो, इमीडिएट कंजम्पशन के लिए आप इन्हें परचेज करते हो. तो जब आप इन्हें परचेज करते हो तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है? कुछ फीचर्स हैं, अगर ये फीचर्स हैं तो इसका मतलब वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा. इन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है वो कम होता है, जो बायर है उसे प्राइस प्रोडक्ट का पता होता है नॉर्मली जनरली, और क्योंकि ये प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होते हैं, क्लोज कंपटीशन होता है, तो जो प्राइस है कन्वीनियंस प्रोडक्ट का वो स्टेबल रहता है और कम ही रहता है. जो प्रोडक्ट है कंज्यूमेबल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और आप इन्हें लंबे टाइम पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते. देन आपका जो प्रोडक्ट है वो आप फ्रीक्वेंटली परचेज करते हो स्मॉल क्वांटिटीज में अकॉर्डिंग टू डेली नीड्स, डिमांड करते हो आप इन प्रोडक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ जो भी जितनी भी आपको डेली नीड्स हैं, हैबिट्स जो हैं आपके और कंज्यूमर बिहेवियर जो है आपका. देन ये जो प्रोडक्ट है इजीली अवेलेबल होते हैं और कम शॉपिंग टाइम आपको इसमें लगता है. जो बायर्स होते हैं नॉर्मली जो नियर बाय शॉप्स होती हैं वहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदते हैं. इन प्रोडक्ट्स के केस में कोई ज़्यादा ब्रांड प्रेफरेंस नहीं होती है कस्टमर की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट वो इस प्रोडक्ट को परचेज करता है. देन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फैशन और स्टाइल इफेक्ट नहीं करते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी फॉलो होती है इन प्रोडक्ट्स के केस में और प्रोडक्ट्स हर एक जो शॉप है
वहां पर आपको मिल जाते हैं। जो एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज है, वो मैन्युफैक्चरर करता है। जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है वो डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी रेगुलर डिमांड होती है, तो कोई स्पेशल एफर्ट इनकी सेल के लिए जरूरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर शार्प और क्लोज कंपटीशन होता है इनकी मार्केटिंग में, क्योंकि जब प्रोडक्ट खरीदने कस्टमर जा रहा है तो जो उसके माइंड में ब्रांड जो भी था, नेम प्रोडक्ट का जो याद रह गया उसे, उसी को वो परचेज कर लेता है। और होलसेलर और रिटेलर्स जो हैं उनका इम्पोर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। देन नेक्स्ट है आपका शॉपिंग प्रोडक्ट्स। जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंज्यूमर परचेज करता है कंपेयर करके, उनकी क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, सुटेबिलिटी को कंपेयर करके। जो कस्टमर होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, शेप, डिज़ाइन, क्वालिटी, यूटिलिटी डिफरेंट स्टोर से एक्चुअल परचेज करने से पहले। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को बार्गेन प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, शूज, कॉस्मेटिक, ऑर्नामेंट्स, क्रॉकरी, किचनवेयर, बेडशीट, गिफ्ट आइटम एसेट्रा को हम इंक्लूड करते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स में। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है पर यूनिट कन्वीनियंस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल होते हैं और हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में। सेम जो चीज़ है, दैट इज सपोज आप फर्नीचर लेने गए हो, तो अगर तीन शॉप्स पे आपने फर्नीचर देखा है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तीनों की क्वालिटी को। देन नेक्स्ट इज, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल होते हैं नेचर में, कंज्यूम स्लोली होते हैं, आप इन्हें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते हो। एक बार अगर आपने इसे परचेज किया तो ईजिली 5 से 7 साल ये चल जाते हैं, जबकि जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट थे वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना इतनी उनकी ड्यूरेशन होती है। और जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी 5 साल 6 साल जो है ड्यूरेशन होती है। और ये जो प्रोडक्ट हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है डिसाइड करने में कि क्या उसे परचेज करना है। जो कंज्यूमर है डिफरेंट स्टोर्स और शॉपिंग सेंटर्स को विजिट करता है बिफोर एक्चुअली परचेजिंग दी प्रोडक्ट। जो शॉपिंग प्रोडक्ट है ओकेजनली कंज्यूमर परचेज करता है, जैसे बर्थडे पे, वेडिंग डे पे या दिवाली, न्यू ईयर एक्सेट्रा पे। देन ये जो प्रोडक्ट हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं फैशन और स्टाइल से। जो रूरल बायर्स हैं जनरली इंटरेस्टेड होते हैं इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में अपने आसपास की सिटीज से। मास डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो जल्दी में नहीं होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। देन एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरर और मिडलमैन दोनों करते हैं। ब्रांड नेम, फैशन एंड स्टाइल, पैकेजिंग, स्टोर रेपुटेशन, डिस्प्ले एंड डेमोंस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप सेल, जो मार्केटर है वो करना चाहता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स की, उसको वो बढ़ाना चाहता है। और जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस और हेटरोजीनियस दोनों तरीके के हो सकते हैं। होमोजीनियस शॉपिंग प्रोडक्ट्स में जैसे शूज, किचनवेयर, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी, रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर आ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जब आप परचेज कर रहे हो होमोजीनियस शॉपिंग प्रोडक्ट्स को, वो होता है प्राइस। जो क्वालिटी और स्टाइल है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अगर आप परचेज कर रहे हो हेटरोजीनियस शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, टेक्सटाइल, हाउस होल्ड गुड्स हो गई। तो ये फीचर्स थे शॉपिंग प्रोडक्ट्स के जो एक मार्केटर को ध्यान में रखने चाहिए जब वो फ्रेम कर रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। देन नेक्स्ट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जैसे कि नेम से ही क्लियर है, स्पेशल वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो स्पेशल परचेजिंग एफर्ट लगाता है जब वो परचेज करता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स हैविंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फॉर विच अ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर्स आर हैबिचुअली विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेजिंग एफर्ट। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो परचेज करने से पहले।
कंपेयर करने के लिए या उसके फीचर्स, उसकी सर्विस, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। और यूनिक फीचर्स इनके होते हैं, ब्रांड नेम अलग से इनका आपके लिए मैटर करता है। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, सीडी प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, स्कूटर, कार, माइक्रोवेव अवन एसेट्रा जो है वो एग्जाम्पल्स स्पेशलिटी प्रोडक्ट के। इनका फीचर क्या है, जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है, यूनिट वैल्यू जो है प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, हायर होती है एज़ कम्पेयर टू स्पेशलिटी एंड कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जो बायर है जब वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है तो वो उसे सेव किए हुए पैसों से खरीदता है। जब आप अपने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को खरीदने जाते हैं तो बड़ा अमाउंट आपको चाहिए होता है जिसके लिए आपको सेविंग्स करनी पड़ती है। तो जो बायर है वो मनी को सेव करता है फॉर द परचेज ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आप इन्हें परचेज नहीं करते हैं। बायर प्लान करता है कब उसे परचेज करनी है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट को परचेज कब करना है, एक्चुअल परचेज से पहले बहुत सालों से वो उसको प्लान कर रहा होता है। प्रॉपर ट्रेड इंक्वायरी करता है वो बायर से बिफोर एक्चुअल परचेज, देन एक्चुअल परचेज करते हुए बायर से कंफर्म करता है अपना परचेज डिसीजन। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं अपने ब्रांड नेम से जाने जाते हैं, जैसे LG, सोनी एसेट्रा। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जर्नली डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट और एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू सोल्ड होते हैं। जो ब्रांड लॉयल्टी है वो डोमिनेट करती है कंज्यूमर बिहेवियर को इस टाइप के प्रोडक्ट्स में। और ये जो प्रोडक्ट है इनमें आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत होती है। जो मैन्युफैक्चरर और मिडल मैन है वो ह्यूज अमाउंट स्पेंड करता है ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज जनरली अवेलेबल करवाई जाती है बायर को फॉर द परचेज ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट। और एक जो मार्केटर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि किस टाइप का उसका प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो उसी के अकॉर्डिंग बनाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपैरिजन बिटवीन कन्वीनियंस शॉपिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में लो शॉपिंग प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का प्राइस कन्वीनियंस और शॉपिंग दोनों से ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं परचेज फ्रीक्वेंसी की, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली परचेज करते हो, शॉपिंग प्रोडक्ट्स लेस फ्रीक्वेंटली परचेज करते हो, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इनफ्रीक्वेंटली परचेज की जाती हैं। ये कभी परचेज करते हो आप, सालों में एक बार परचेज करते हो। शॉपिंग प्रोडक्ट्स आप थोड़े साल बाद परचेज करते हो, लेकिन जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है आप हर रोज परचेज कर सकते हो। देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मार्केटर के व्यू पॉइंट से, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन, शॉपिंग प्रोडक्ट्स में सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। टर्नओवर, हाई सेल्स टर्नओवर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स का, मीडियम सेल्स टर्नओवर शॉपिंग प्रोडक्ट्स का, और लो सेल्स टर्नओवर स्पेशलिटी प्रोडक्ट का। अवेलेबिलिटी की बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, तो गुड नंबर ऑफ आउटलेट्स होते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में लिमिटेड आउटलेट्स होते हैं, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में फ्यू आउटलेट्स होते हैं, फ्यू शॉप्स होती हैं जिनके पास आपको स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पैकेजिंग की बात करें कन्वीनियंस प्रोडक्ट में इम्पॉर्टेंट है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में कम इम्पॉर्टेंट है। देन परचेज डिसीजन टाइम की बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट को परचेज करते आप के करते हुए आप बहुत कम टाइम लेते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स को करते हुए आप कंसिडरेबल टाइम लेते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट को परचेज करते हुए आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। देन ब्रांड नेम की बात करें कन्वीनियंस प्रोडक्ट में लेस इंपॉर्टेंट है, शॉपिंग में इंपॉर्टेंट है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले की बात करें कन्वीनियंस प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट है, स्पेशलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉपिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज एफर्ट्स की बात करें कन्वीनियंस प्रोडक्ट को परचेज करते हुए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, स्पेशलिटी और जो आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करते हुए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। स्टोर इमेज की बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में जो स्टोर की इमेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।